दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों जितना इंसान प्रैक्टिकल सीखता है उतना वो इंसान थ्योरी में नहीं सीखेगा। अब यहाँ पे सामने मेरे यहाँ पे ग्रेडर चल रहा है, ये मेरा OGL का बेड है तो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेडर चला रहा हूँ, ये बेड बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रात को बारिश हुई है। बारिश होने से क्या होगा, ये बेड में पूरा पानी भर गया था, कीचड़ हो गया था। तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये ग्रेडर चला रहा हूँ क्योंकि बहुत से ठेकेदार कई बार ऐसा बोल देते हैं कि ग्रेडर चलाओ ऊपर का कीचड़ हट जाएगा और नीचे फ्रेश मिट्टी निकल आएगी, आपको OGL तैयार हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ आपकी सोच गलत है, ऐसा कभी नहीं करना। आप इसके ऊपर ग्रेडर का ब्लेड लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रेडर का ब्लेड लगा हुआ है, इससे क्या हुआ, इससे मेरा बेड और ख़राब हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, कीचड़ के ऊपर ग्रेडर का ब्लेड नहीं लगाना है। अगर आपका ज़्यादा कीचड़ है थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है, कीचड़ के ऊपर ब्लेड लगाने से आपका बेड और ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा कीचड़ आ गया है, तो ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको धूप लगेगी, धूप लगने पे आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है धूप लगने के लिए। इस बेड को आपको कोई ब्लेड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब धूप लगेगी टेम्परेचर के हिसाब से ये सूख जाएगा, सूखने के बाद ही आपको इस पर ग्रेडर चलाना है। अभी ये बिल्कुल कीचड़ बन चुका है, अगर आप इस पर ऐसे मिट्टी डालोगे तो आपकी मिट्टी में भी बम्पिंग आ जाएंगी, वो स्लश पॉइंट बन जाएगा, आपको वो मिट्टी भी सारी रिमूव करनी पड़ेगी। अगर देखो आप दोस्तों आपने टेक्निकल काम सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है, मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाता रहता हूँ और ये भी मेरी वीडियो प्रैक्टिकल है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से सुपरवाइजर, बहुत से लोग ऐसे गलती कर देते हैं बारिश होने के बाद कि सीधा ग्रेडर लगा देते हैं, लेकिन ग्रेडर देख के सोच समझ के लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखिए ये पूरा कीचड़ है तो इसमें आपकी मिट्टी नहीं डलेगी। ये देखिए मेरे जूते भी पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं, ठीक है, आपको इसमें ग्रेडर नहीं चलाना चाहिए।